बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलाबा, मैं हूँ कारी मोहम्मद रफ़ी सिटी पब्लिक स्कूल से। आज आपके सामने मुताल्लिक़ पाकिस्तान के पहले चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज के हम लेक्चर के अंदर तीन लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, सवाल नंबर 3 करेंगे, सवाल नंबर 4 करेंगे और सवाल नंबर 5 करेंगे। तरीका वही होगा, डिटेल इसलिए नहीं दे रहा कि बुक वाले ने बड़ी डिटेल के साथ दे रखे हैं और इनमें कुछ समझने समझाने वाला चीज़ भी नहीं है। आपकी सहूलत के लिए मैंने हेडिंग्स बना दी हैं और पेज आपके सामने रख दिए हैं। अब आप उन पेजेस को सामने रख कर आगे चलते जाएंगे तो ये पेज नंबर 22 के ऊपर ये सवाल नंबर 3 है कि पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम, यहाँ आपको हेडिंग नज़र आएगी बुक के ऊपर पाकिस्तान बतौर एटमिक ताकत, तो आपने वहाँ पर हेडिंग देनी है पाकिस्तान का जोहरी प्रोग्राम। जो पहला पैरा है सारे का सारा 1971 में जुल्फकार अली भुट्टो ने इक्तदार संभाला, यहाँ से लेकर एटमिक तवानाई का हसूल बहुत ज़रूरी था वहाँ तक, ये सारे का सारा पैरा इसमें ऐड करेंगे और पहली हेडिंग बनेगी एटमी साइंस। अब दूसरी हेडिंग है एटमी साइंस की ज़रूरत, तो जहाँ ये पैरा खत्म हुआ और नया पैरा शुरू हुआ वहाँ पर है भारत ने जब 1974 में यहाँ से लेकर एक लाइन दो और तीसरी लाइन की शुरू पर है शुरू कर दी, ये सवा दो लाइनें इसमें ऐड करेंगे, ये हेडिंग बनेगी एटमी साइंस की ज़रूरत। और ये नंबर 3 जो है ये एटमी रिएक्टर की हेडिंग बनेगी आपकी। एटमी रिएक्टर हेडिंग को देखने के लिए आप पेज नंबर 23 के ऊपर जाएंगे और 23 के ऊपर आपको दूसरे पैरे के शुरू में एक लफ्ज़ नज़र आ रहा है, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, यहाँ से आपने शुरू करना है, बात आज़ाम वाले लफ्ज़ को ऐड नहीं करना, दूसरे पैरे को यहाँ से शुरू करना है जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। तो ये दो लाइनें इसमें ऐड करनी है, महारत हासिल कर रही हैं वहाँ तक। और इससे अगले पैरे की आखिरी लाइन है 1989 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने दावा किया कि पाकिस्तान ने एटमी रिएक्टर बनाने की सलाहियत हासिल कर ली है। इस तरीके से ये भी एक लाइन और ऊपर वाली दो लाइनें ऐड करेंगे इस हेडिंग के अंदर, तो आपकी हेडिंग पूरी हो जाएगी। अगली हेडिंग है इस सवाल की भारतीय धमाके, तो ये हेडिंग आप देखने के लिए आप इससे नीचे वाले पैरे पर जाएँ जहाँ ये पैरा शुरू हो रहा है कि 1998 में भारत ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी तो बरसरे इक्तदार आई, तो यहाँ से लेकर आपने ये दो लाइनें इसमें करनी हैं, एटमी बर्तरी कायम करने की कोशिश की, ये दो लाइनें इसमें ऐड करेंगे तो आपकी भारतीय धमाके वाली हेडिंग पूरी हो जाएगी। अगली हेडिंग है आपके पास पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई, तो ये हेडिंग्स जो कि बुक वाले ने नहीं दी हुई इसलिए मैं आपको हेडिंग बनवा रहा हूँ। अगले पैरा है अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन वाला, तो आपने इसकी तीसरी लाइन पर जाना है, तीसरी लाइन के ऊपर है आलमी दबाव के बावजूद, यहाँ पर आपने लिखना है आलमी दबाव के बावजूद पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने आवाम के पुरजोर मुतालबा पर, यहाँ से लेकर ये वाली लाइन, अगली लाइन और उससे अगली लाइन है आलम इस्लाम का पहला एटमी मुल्क बन गया, ये तीन लाइनें इसमें ऐड करेंगे तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई इसमें कम्प्लीट हो जाएगी। तो आखिरी हेडिंग है योम तकबीर, तो इसी से आगे है जो ही चाली के पहाड़ों में अल्लाह अकबर का नारा गूंजा, तो यहाँ से लेकर एंड तक जहाँ ये पेज पूरा हो रहा है वहाँ तक मनाती है, यहाँ तक ये आपकी डेट नोट आएंगे योम तकबीर के हवाले से हैं। इस तरीके से यह आपका पाकिस्तान का जौहरी प्रोग्राम वाला ये सवाल कम्प्लीट हो जाएगा। और आगे चले सवाल नंबर 4 में है तहसील कौंसल, तहसील इंतजाम और तहसील नाजम और नायब नाजम, ये वाला क्वेश्चन चूंकि बुक में डिटेल से नहीं था मैंने आपकी सहूलत के लिए नोट किया कि इस सवाल को लिखा, इसकी कापियाँ करवाई और ऑफिस वालों के हवाले कर दी। आपने इस सवाल अगर लिखना है तो ऑफिस में आए, ये वाला सवाल आपको वहाँ से मिल जाएगा, हर बच्चा ऑफिस से अपना सवाल ले सकता है। उनको बताएं कि मुताले पाकिस्तान के पहले चैप्टर का चौथा सवाल आपके पास लिखा हुआ कारी साहब ने दे दिया हुआ है, वो हमें लेना है, तो वो आप डिमांड करके उनसे वो वाला फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो सवाल मिल जाएगा। इसमें ये नहीं आपके जेब में आना चाहिए कि आपसे कोई पैसे लिए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, वो मैंने अपनी तरफ से सारे का सारा करवा के दे दिया हुआ है कापी, वो उनसे आप डिमांड कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5 जो है ये पेज नंबर 18 के ऊपर है, तो यानी नवाज शरीफ के, मियाँ नवाज शरीफ के दोनों दौरे हुकूमत,
तो ये सवाल देखने के लिए आप पेज नंबर 18 के ऊपर जाएंगे, 18 नंबर पेज के ऊपर। तो यहाँ पर आपको मियां नवाज़ के दोनों दौरे हुकूमत नजर आएंगे। तो आप जनाब शुरू से शुरू कर देंगे, दोनों दौरे हुकूमत आपने लिखने हैं। पहला दौरे हुकूमत, इसमें मियां नवाज़ का पहला दौरे हुकूमत पहली हेडिंग है, ज़री पॉलिसी का क़याम दूसरी हुकूमत इसकी हेडिंग बनेगी, निजकारी कमीशन का क़याम तीसरी हेडिंग बनेगी। ये तीनों हेडिंग पूरी पूरी आपने लिखनी है, जो बुक वाले ने दी हैं। सूबों के दरमियान पानी की तकसीम का मुआहदा ये भी सारी, बैतुल माल का क़याम ये भी सारी। आगे है खारजा पॉलिसी, खारजा पॉलिसी के हवाले से आपने सिर्फ एक फिक्रा लिखना है, ओनली वन सेंटेंस, ये वो चार पांच लाइनें नहीं लिखनी, आपने एक फिक्रा लिखना है। नवाज शरीफ हुकूमत ने अपनी खारजा पॉलिसी में कई मुस्बत तब्दीलियां की, यहाँ तक बस। आगे है अवामी मंसूबे, वो सारे का सारा लिखना है। और इस पहले दौर की आखिरी हेडिंग आपके पास बनेगी नवाज शरीफ हुकूमत की बरतरफी, तो आपने शुरू से लेकर दूसरी लाइन पर है उनके हुकूमत करीबन 2.5 साल चली, अप्रैल 1993 से, यहाँ से शुरू करेंगे जहाँ जिले पैरा शुरू हो रहे हैं नवाज शरीफ हुकूमत के बरतरफी वाला। तो ये वाला आपने दो लाइन, सवा दो लाइन है, ये तकरीबन डेढ़ लाइन बनती है आपकी, ये आप इसमें ऐड करेंगे तो मियाँ साहब का पहला दौरे हुकूमत आपके पास कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने मियाँ साहब के दूसरे दौरे हुकूमत के लिए आपने पेज नंबर 20 पे चले जाने हैं, 20 पेज जब आप इसका निकालेंगे तो उसके ऊपर यहाँ मैं आपकी सहूलत पे लिख देता हूँ कि पहला दौरे हुकूमत ये है आपके पास पेज नंबर सफा नंबर 18 पर, और दूसरा दौरे हुकूमत ये है पेज नंबर बुक के सफा नंबर 22 पर। तो इस तरीके से ये मैंने आपके सामने इसके भी पेजेस लिख दिए हैं, तो आप दूसरा दौरे हुकूमत निकालें तो इसमें पहली हेडिंग जस्टिस सजाद अली शाह, दूसरी हेडिंग जस्टिस ताड़क वाली, तीसरी करत उतारो नहीं, गैर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में वोट का हक, फ्लोर क्रॉसिंग, ये सारी हेडिंग कम्प्लीटली लिखते चले जाना है आपने। आगे है 1998 की मरदमशुमारी, नई तालीमी पॉलिसी का ऐलान, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, 1973 के आयन में 58(2)(b) शिक का खात्मा, एटमी धमाके, ऐलान लाहौर। उसके बाद अगले पेज पर चले जाएंगे, पेज नंबर 22 पर जाएंगे तो वापडा में फौज की आमद, कारगर पर लश्कर कशी, नवाज शरीफ की हुकूमत का खात्मा। इस तरह ये सारी की सारी हेडिंग, ये 14 हेडिंग बनेगी आपके पास दूसरे दौरे हुकूमत की। आपने ये भी इसमें ऐड करके दूसरा दौरे हुकूमत इस तरीके से कम्प्लीटली लिखना भी है, याद भी करना है। इस तरीके से इन दिस वे कंप्लीट योर 3 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। आज आपके 5 क्वेश्चन हो गए हैं, यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने राउंड किए थे पहले लेक्चर में, आज दूसरे लेक्चर में हमने 3 किए हैं। और इसमें मैंने जो मेन बात बताई है वो ये है कि सवाल नंबर 4 आपको ऑफिस से मिलेगा। आप अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बुक बनाएं, याद करें, और आपके सहूलत के लिए सफ़े लिखे हेडिंग बनाएं ताकि आपके लिए आसानी हो, और मेहनत करें, अपना वक्त ज़ाया ना करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।